इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचे वरुण चौधरी। वरुण चौधरी ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। वरुण मौलाना विधानसभा से पहले विधायक थे, कांग्रेस के अंबाला से सांसद बने हैं वरुण चौधरी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव में अंबाला से जीतने के बाद वरुण चौधरी ने अब विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे अंबाला से वरुण चौधरी और उन्होंने जीत दर्ज की थी, सांसद बन गए थे और अब उन्होंने विधानसभा पद से इस्तीफा दे दिया है। और ऐसे में कह सकते हैं कि अंबाला सीट जो है वो अब खाली हो चुकी है। हालांकि सीट भले ही खाली हो लेकिन वहां पर उपचुनाव नहीं होने वाले, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव होंगे अक्टूबर में, जिसको देखते हुए अब उपचुनाव नहीं होंगे। लेकिन बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं कि वरुण चौधरी ने अंबाला से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। अंबाला से वो सांसद बन चुके हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार थे वरुण चौधरी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मौलाना विधानसभा क्षेत्र वासियों ने दी थी, मुझे विधायक चुना था और मेरा भी प्रयास रहा था कि हर संभव प्रयास करके उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं, और आज भारी मन से इस्तीफा दिया है। लेकिन खुशी भी है कि मुझे जन जन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और तभी मुझे सांसद चुना गया है। एक और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जन जन की उम्मीदों पर मैं खरा उतरूं। देखिए, आज अंबाला लोकसभा से भाई वरुण मौलाना जी सांसद चुने गए हैं। उसके उपरांत, क्योंकि पहले वो विधानसभा के सदस्य थे, दोनों सीटों में से एक सीट के ऊपर 14 दिन के अंदर अंदर अपना त्याग पत्र देना होता है। तो आज वरुण जी ने हरियाणा विधानसभा से अपना त्याग पत्र दिया है, जिसको मैंने तुरंत रूप से स्वीकार किया है और मैं वरुण जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जिस प्रकार से वो विधानसभा में अपना जो कार्य था, जिस योग्यता से, जिस स्फूर्ति से या जिस परिश्रम से वो करते थे जन समस्याओं के समाधान के लिए, इसी प्रकार से लोकसभा में भी वो जन समस्याओं के समाधान करने के हेतु हमेशा तत्पर रहे। और अब आज इनके जाने से निश्चित तौर पे इनकी विधानसभा में कमी तो महसूस होगी, लेकिन मुझे आशा है कि एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर के बड़ा कार्य करेंगे। और आज हमारी जो सदस्य संख्या कांग्रेस की थी वो 30 से घट करके 29 हो गई है और विधानसभा की कुल संख्या जो है वो 87 रही। अब ऐसे में देखना होगा कि सीट पर अगला दावेदार कौन होगा, इस पर चर्चा का बाजार अब तेज होना लाजमी है। हालांकि बता दें कि कांग्रेस को इस सीट पर मतदाताओं ने खूब आशीर्वाद दिया था इस लोकसभा चुनाव में और इसी वजह से वरुण चौधरी वहां से सांसद चुने गए थे। अब देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से वो कौन सा बड़ा चेहरा होगा जो विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।